बोलसंगदेव भगवान की हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव और शक्ति के इस मिलन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। गुरु के द्वारा शुभकामना और आशीर्वाद। शिवरात्रि भगवान शिव के इस धरा पर पृथ्वी लोक पर प्रगटीकरण का भी दिवस है। इस रात्रि को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे इस आर्यावर्त की भूमि में 12 स्थानों पर प्रकट हुए थे। सौराष्ट्र सोमनाथ चश्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनी महाकाल ओंकारेश्वरी ममलेश्वर परल्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भूम शंकर सेतु बंधु तु रामेश नागेशम दारुकावनी वाराणस्या तु विश्वेश्वर त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तु केदारम उष्मेश च शिवालय। 12 क्षेत्र सौराष्ट्र में सोमनाथ शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन उज्जैन में महाकाल ओंकारेश्वर में ममलेश्वर परल्या क्षेत्र में जहाँ विराजमान है वैद्यनाथ रूप में डाकिनी क्षेत्र में भीमाशंकर के रूप में सेतुबंध में रामेश्वरम दारुकवन में नागेश्वरम में वाराणसी में विश्वेश्वर स्वरूप में गोमती नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर रूप हिमालय में केदारेश्वर रूप और शिव क्षेत्र में घुस्मेश्वर स्वरूप में। तो आपने इस ज्योतिर्लिंग में कितने स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। कल मैंने कहा था संकल्प होना चाहिए, तो ये संकल्प होना चाहिए कि जीवन में 12 स्थानों पर जो ज्योतिर्लिंग है उन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, वहां पर जाकर जल अभिषेक करें। और यदि आप निश्चित कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, घर परिवार तो बहुत छोटी बात है, और कोई भी शक्ति ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जब आप शिव क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लेते हैं तो वह वहां आप पहुंच ही जाते हैं। मुझे किसी ने एक बार पूछा कि किस मनुष्य का जीवन अधूरा है। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि जिसने जीवन में 4 धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं संपन्न किए हैं उसके जीवन में पूर्णता नहीं। बात बहुत गंभीर है कि हम यात्रा करते हैं अपने जीवन में, इतनी जगह शादी ब्याह में चले जाते हैं, काम का बहाना बनाते हैं, कई बार नहीं जा पाते क्योंकि काम तो जिंदगी में चलते रहेंगे, आपके बिना न रुका है न रुकेगा। जीवन में कुछ लक्ष्य होने चाहिए, धन मान सम्मान सब आ जाएगा, लेकिन
जो ईश्वर के प्रति आपका समर्पण का भाव है वह ईश्वर के स्थान पर जाकर उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का, श्रद्धा प्रकट करने का, भक्ति प्रकट करने का। घर में आपने कहा कि गुरुदेव मैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा देता हूं, मैं समझता हूं कि यही घुष्मेश्वर है, यही त्र्यंबकेश्वर है और यही विश्वेश्वर है, यही सोमनाथ, ऐसा समझने से तो काम चलेगा। क्रिया है तो वह करनी ही पड़ती है और क्रिया के लिए जो बल है वह अंतर मन में शिव ही प्रदान करते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य का निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आज हम इस परलिया क्षेत्र में भगवान शिव और शक्ति के विवाह का उत्सव, उनके मिलन का उत्सव संपन्न कर रहे हैं, जिनकी स्तुति में रावण ने, विद्वान रावण, हर व्यक्ति में देखेंगे गुण होंगे या अवगुण होंगे, उस गुणों को देखो कि वह कितने महान शिव भक्त थे, उन आद्या शक्ति और शिव के शिवलिंग के संबंध में भगवान शिव की स्तुति पर प्रार्थना की, जटा कमी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्यम लंबिता भुजंग तंग मालिका डमट डमट डमम विना डमट डमर वै चटा दंड तांडव करो सुना सुभाषी। ये पहला श्लोक भगवान शिव की स्तुति में कह रहे हैं कि हे शिव, आपके जटा रूपी वन में गंगा का प्रवाह हो रहा है जो आपके कंठ प्रदेश को प्रक्षालित कर रही है, गले में सर्पों की विशाल माला आप धारण किए हैं, डमट 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 डमन निनाद डमट डमर भाई डमट डमरू के ध्वनि के साथ आप नृत्य कर रहे हैं। हे शिव, हम उपासकों का कल्याण प्रार्थना में है कि शिव हमारा कल्याण करो और इसके 15वें श्लोक में और कहते हैं कि जो शिव की पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसके जीवन में फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। कहा है कि जो इस स्तोत्र का पाठ में, इस स्तोत्र का पाठ का अर्थ है कि जो शिव की उपासना करता है, प्रार्थना करता है, अभिषेक करता है, लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रदलाति शंभु, के शंभु अपने भक्त के जीवन में तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, के उसके जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं रथ गजेंद्र युक्त। पहले तो धन की परिभाषा के रथ हो, हाथी हो, घोड़े हो, रथ गजेंद्र युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी, ऐसी लक्ष्मी जो सुमुखी प्रददाति शंभु, भगवान शंभु अपने आप अपने भक्त पर कृपा कर लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु, भगवान शंभु प्रदान कर, क्योंकि स्थिरता जीवन में सबसे बड़ा है कि हमारे जीवन में एक स्थिरता, एक शांति आए। और इसीलिए गुरु की प्रार्थना है और शिव है जो गुरुओं के गुरु हैं, पारमेष्टि गुरु कहे गए हैं, गुरु शिवो गुरुर देवो गुरुर बंधु शरीरणाम गुरुर आत्मा गुरुर जीवो गुरुर मन्यन विद्यते, के गुरु के अलावा इस संसार में गुरु ही शिव है, शिव रूप में
गुरु ही देव है, गुरु ही आत्मा है, शिव आत्मा कौन? गुरु। गुरु ही बंधु है, गुरु के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह शिव का कथन है, गुण गीता का। क्योंकि पार्वती ने उन्हें पूछा कि आपको पहचानेंगे कैसे, आपका रूप तो ऐसा है, क्या आप हर एक भक्त को दर्शन देंगे? उन्होंने कहा मैं ज्ञानियों के रूप में, मैं गुरुओं के रूप में इस संसार में साधकों का कल्याण करूं, और जो साधक गुरु में शिव को ही देखेगा उस साधक पर शिव की कृपा अवश्य अवश्य ही प्राप्त होगी, यह मेरा लक्ष्य है। शिव कौन? नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कराकृने निरंजन पद याति नित्यम यत्र परायण। के शिव निरंजन है, दोष नहीं थे, संसार की सारी विधाओं का आगम निगम तंत्र मंत्र सारी विधाएं शिव पार्वती का संवाद है, और जिन्हें भगवान विष्णु ने इस संसार में आगे प्रचारित प्रसारित किया। अब साधक को क्या चाहिए? शिव नहीं चाहिए, साधक को चाहिए विद्या, साधक को शिव नहीं चाहिए। साधक कहते हैं शिव जी हमें विद्या प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते, ऐसा ज्ञान प्रदान करते कि जगत में हम निर्विघ्न रूप से गतिशील हो सके। तब भगवान शिव कहते गूढ विद्या जगन माये देहे ज्ञान संभव उदय स्व प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्य। जो गुरु के शब्दों को ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में स्व प्रकाश का उदय हो जाता है, और वह अपने हृदय के प्रकाश में वह संसार की सारी विद्याओं का जानकारी प्राप्त कर लेता है। जो विद्या इस संसार में गति के लिए, मति के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए आवश्यक, वह सारी विद्या गुरु शब्द कथ्य। सारी विद्याएं का ज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में शंकराचार्य कहते हैं, शिव की स्तुति करते हैं कि भवानी शंकरो वंदे सद्दा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्थानम स्थस्र। के भवानी और शंकर क्या है? उन्होंने कहा था भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप, शक्ति श्रद्धा का स्वरूप है, शिव विश्वास का स्वरूप, जिनके बिना यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उसके बिना सिद्धा स्वांत स्थिति सुलभ। सिद्ध यो लोग भी, परम ज्ञानी लोग भी अपने अंदर स्थित ज्ञान के प्रकाश को पा नहीं सकते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास उनके अंदर स्थित है शिव और शक्ति के रूप में, उनकी वंदना करने से, अपने श्रद्धा और विश्वास की वंदना करने से शिव की कृपा होती है, स्व प्रकाश का उदय होता है। यह शिव वचन है, यह शंकराचार्य का वचन है। चलो आज क्या है? शिवरात्रि। तो शिव के विवाह की रात्रि है, तो शिव को पाने के लिए तप कौन कर रहा है? शक्ति शिव को पाने के लिए तप कर रही है कि मुझे शिव मिल जाए। शिव तपस्या नहीं कर रहे, शिव तो हमेशा हमेशा एक तपस्या में ही रहते हैं, शक्ति उन्हें पाना चाहते,
और वो तप कर रही है और शिव कोई राम की तरह ऐसा है कि नहीं जो धनुष तोड़ करके बिना धनुष उठा करके बताएगा वह सीता का वरण कर ले। वहां तो कुछ शर्त, यहां तो कोई शर्त है ही नहीं, यहां तो उल्टा शक्ति उत्सुक हो रही है कि तपस्या करी कि कैसे ही करके चाहे मुझे कितना भी तप करना पड़े, कितनी तपस्या करनी पड़े, कितना ही मंत्र जप करना पड़े, शिव मेरे जीवन मेरा जीवन यहां शिव को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तेरे लायक हूं, मैं तुझे धनुष तोड़ के बताता हूं देखो मैं कितना बलशाली हूं, मेरे अंदर कितना बल है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। शिव को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पर शक्ति को क्या आवश्यकता पड़ी कि वह शिव को पाने के लिए तपस्या करे। क्योंकि भगवान विष्णु ने शिव को कहा दारकासुर का वध करना है और आपको शक्ति से विवाह करना ही पड़ेगा, और भगवान शिव को तपस्या में लीन उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो पानी ग्रहण नहीं कर सकता। शिव को शंका थी कि यदि कर दिया काम को मैंने भस्म कर दिया था तो काम पुनः जागृत हो जाए और काम तो सारे देवता ऋषि पुनः सकाम हो जाएंगे। और शिव कहते हैं कि काम नरक का द्वार है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से मोह उत्पन्न होता है और मोह से तप नष्ट हो जाता है। मैं तपस्या बना और भगवान को पुनः तपस्या में चले। अब सबने आके निवेदन किया, विष्णु ने कहा कि प्रभु तारकासुर का वध करना है क्योंकि तारकासुर को मारना है तो जो आपकी संतान होगी वही तारकासुर को मार सकती है। तब सारे देवी देवताओं के अनुग्रह आग्रह करने पर भगवान शिव पार्वती से विवाह के लिए राजी हैं। पर बार बार प्रश्न आता है कि पार्वती शक्ति इतना तप क्यों कर रही है, जो दूल्हा मान नहीं रहा है उसको मनाने के लिए इतना क्यों तप कर रही है, कोई तो कारण होगा ना। क्या है कि आप बचपन में खेल खेलते थे, तालाब या पानी होता था, एक कंकर फेंकते थे, कुछ लहरें होती थी, फिर दूसरा कंकर फेंकते थे, दूसरी लहरें उठती थी, फिर जोर से कंकर फेंकते थे और लहरें उठती। तो कामनाएं हैं ये लहरों के समान हैं जो गोल 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 रूप में उठी हैं। उन कामनाओं को भी विश्राम चाहिए, कामनाओं को भी विश्राम चाहिए, नहीं तो कामनाओं के भंवर में कामनाएं उठती रहती है, मनुष्य उसी में गतिशील रहता है, चक्कर लगाता रहता है, लेकिन कामनाओं को किसी न किसी स्थान पर विश्राम चाहिए। और विश्राम कहां मिलेगा, शिव के पास। इसीलिए शक्ति ने विचार किया कि मैं जगत में कामना स्वरूप हूं लेकिन इन कामनाओं को भी कहीं कहीं विश्राम की आवश्यकता है। हां इसीलिए पार्थ ने कहा कि विश्राम कहां है, विश्राम केवल और केवल
शिव के पास। जहां शिव है वहां विश्राम, क्योंकि कामनाएं क्या है, कामना में मन है, कामना में मना भी, पूरा करो तो नहीं कामना। आप देखो कि लहरें उठती है, एक गोल उठा, दूसरा गोल चक्कर, तीसरा गोल चक्कर, चौथा गोल चक्कर, पांचवा गोल चक्कर, किनारे से टकराती है, फिर आप एक क्रिया का पत्थर डालते हो, फिर कामना है। तो कामनाओं का भंवर है वो अंतहीन, उस अंतहीन भंवर को विश्राम चाहिए, शक्ति को भी विश्राम चाहिए। क्या हुआ कि भगवान एक बार दुख से किसे मिले, दुख से मिले, और कहा कि अरे दुख, तू मेरे भक्तों को क्यों सता। दुख ने कहा मेरी क्या मजा है प्रभु, मैं आपके भक्तों को सता सकता, आपके भक्त तो मुझे आपके ही भक्त हैं जो कहते हैं भगवान की जय हो जय हो जय हो बोलते हैं, आपका बार बार जयकारा करते हैं और मुझे आमंत्रित करते। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता। बोला कि मनुष्य है जो इच्छाओं कामनाओं अनियंत्रित इच्छाओं अनियंत्रित कामनाओं के कारण से मुझे बार 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 बुलाता रहता है और मैं अब मेरे को कोई बुलाएगा जैसे आपको बुलाता है आप जाते हो, तो दूसरे का मुझे बुलाएगा, कभी लोभ बस बुलाता है, कभी लालच बस बुलाता है, कभी किसी कारण से बुलाता है, मुझे भी आमंत्रित करता है। भगवान ने ऐसा तो नहीं है, तो भगवान दूसरे का चलो मैं आपको लेके जाता हूं कलयुग में एक ऑफिस में लेके गए। ऑफिस में लेके गए, भगवान को कहा देखो अपन दोनों रूप बदल देते हैं, आप चुपचाप देख लो कि क्या क्रिया हो रहा है। कैबिन में चार लोग बैठे थे, भगवान ने कहा चलो मैं भगवान हूं आ गया हूं तुम वरदान मांगो। एक ने कहा भगवान मुझे एक महीने की छुट्टी चाहिए। क्या था, एक महीने की छुट्टी चाहिए। भगवान ने तथा दूसरे ने कहा था आप प्रभु ऐसी कृपा करो कि दो महीने की छुट्टी के मिल जाए और विदेश घूम करके आ जाओ, ऑफिस के खर्चे पर मुझे विदेश यात्रा का मौका मिल जाए, स्पॉन्सर हो जाए ऑफिस के द्वारा, इनका कारोबार लंबा चौड़ा है। भगवान ने तथा तीसरे ने कहा बहुत मौन वार्तालाप हो रहा, तीसरे ने कहा प्रभु ऐसा कुछ हो जाए ऐसी आप व्यवस्था कर दो कि मैं कोई मुझे काम नहीं करना पड़े, मैं जिंदगी भर गोवा जाकर के रहूं, समुद्र के किनारे बैठा रहूं मस्ती के अंदर और मेरा सब खर्चा आराम से चल जाए, ऐसी कृपा भगवान ने। उधर उनका बॉस भी बैठा, भगवान ने कहा मैं आया हूं तो तू भी वरदान मांग ले। उसने कहा भगवान मुझे वरदान दो ये तीनों एक घंटे बाद पास काम पे आ जाए, अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ करके चुपचाप काम करते हैं। तो ये मनुष्य क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं, वो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। खुद के दुख से पार पड़ने की क्रिया मनुष्य को आती है,
लेकिन जो दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है उस क्रिया में वह समझता है कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि केवल मैं ही सुखी रहूं और दूसरे दुखी, दूसरा कोई सुखी हो जाता है तो मनुष्य के अंदर एक ईर्ष्या का नर्क कहते हैं ना, वो जाग उठता है। तो दुख का दूसरा नाम है ईर्ष्या। जिस दिन आपके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए उस दिन समझ लेना कि दुख आपके पास आपके घर में आकर रहने वाला। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना तो बंद हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिना, अन्य भवन्ता दुखी, सर्वे सन्तु निरामया नहीं, मम निरामया, सर्वे सन्तु बीमार मया। जो अच्छा अच्छा हो मुझे ही प्राप्त हो। यह जो मूल बात है यह दुखों का कारण। तो पार्वती इसलिए तप कर रही है उसे विश्राम मिल जाए और शिवरात्रि का दिन है कि यह कामना और विश्राम दोनों के समन्वय की रात है। कामनाओं का विश्राम से मिलने की जो रात्रि है वह शिवरात्रि, जिस दिन कामनाओं का विश्राम से मिलन हुआ। शिव अर्थात विश्राम, शक्ति अर्थात कामना, और शिवरात्रि दोनों का मिलन है। तो जो आज की रात्रि कल्प वृक्ष के समान है, कहते हैं कि भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो लक्ष्मी सरस्वती रति सारी देवियां मिलने गई और शिव से प्रार्थना की। रति ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने पार्वती की कामना पूर्ण की उसी प्रकार मेरी भी कामना पूर्ण हो और मुझे कामदेव मिल जाए, संसार को कामदेव पुनः मिल जाए। भोलेनाथ ने कह दिया तथा। तो शिवरात्रि की रात्रि है और कामदेव पुनः जागृत हो गए, संसार में पुनः व्याप्त हो गए और इसी कारण से पेड़ों में हरियाली, गृहस्थ धर्म का निर्वाह और संसार में सारे स्त्री पुरुषों का मिलन और यह गृहस्थ धर्म की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई। उसके पहले कहते हैं कि बिल्कुल सब लोग निष्प्राण जैसे। तो आज यह शिवरात्रि कल्प वृक्ष के समान रात्रि है और कहते हैं कि जिस प्रकार रति की कामना पूर्ण हुई और उसे पुनः काम मिल गए, संसार को पुनः कामदेव प्राप्त हो गए, उसी प्रकार जो शिवरात्रि में अभिषेक करता है, भगवान शिव और शक्ति के मिलन की पूजा करता है, उसे उसके जीवन की कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिस प्रकार कामनाएं पूर्ण होती है उसी प्रकार भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती है जो इस रात्रि को अभिषेक संपन्न करते हैं। काम के बगैर तो संसार चल नहीं सकता है। काम अर्थात कामनाएं, काम अर्थात मिलन, काम अर्थात संतान उत्पत्ति, काम अर्थात हमारी कामनाएं पूर्ण हो, यश प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, धन धान्य हो, संसार में संपत्ति बढ़ाए, हम उस संपत्ति का उपयोग करें, आनंद प्राप्त करें, यही सब काम का
द्वार है, यही सभी तो कामनाएं हर मनुष्य के मन में उठती है। तो कामनाओं को भी विश्राम चाहिए, विश्राम को भी कामना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव पूछ रहे हैं शक्ति से कि अब मिलन हो गया कलयुग में, मेरे भक्तों का कार्य कौन करेगा, कैसे होगा। देवी त्वम भक्त सुलभ सर्व कार्य विधायिनी, क्रोम ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय ब्रूहि यत्न कर। कैसा कोई उपाय तो बताओ जिससे कलयुग में मेरे भक्तों का कार्य संपन्न हो जाए, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो नेचुरली शिव सती से पूछ रहे हैं कि कलयुग में कैसे कार्य पूर्ण होगा। तो सती कह रही है कि शिव आप स्वयं पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूं। सणु देव प्रोक्षामि करो सर्वेष्ट साधनम मया त्वेम स्नेहम आप्य अम्बा स्तुति प्रकाश। कह रहे भाई मैं तो महास्वरूप हूं, मैं तो इस संसार में स्नेह से ही मात्र स्वरूप में ही अपने भक्तों का कार्य संपूर्ण करते हैं। शिव ने कहा कि नहीं, आप स्नेह पूर्वक संपन्न कर देती थी, लेकिन फिर भी इस संसार दुख है, तो क्या कारण है दुख का। जो स्वस्थ है वह भी असंतृप्त है और जो अस्वस्थ है वह तो असंतृप्त रहेगा ही रहेगा। यह शिव वचन है कि जो स्वस्थ है वह भी असंतृप्त है, वह भी भीतरी भीतर दुखी है, और जो रोगी है वह तो दुखी रहेगा ही रहेगा। धनी भी दुखी, निर्धन भी दुखी। आखिर आप कह रहे हो कि आप भक्तों का स्नेहवश कल्याण कर देती है, तो फिर संसार में दुख का कारण क्या है, निदान क्या है, क्या इस संसार में किसी को विश्राम है या नहीं, चैन की नींद है या नहीं। तो इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा आती है। तो क्या होगा,
मेरा शरीर में बीमारी आ गई तो क्या होगा, यही विचार आप सबके मन में भी आते हैं। मेरा क्या, मेरा क्या होगा। सब बुद्धिमान लोगों ने कहा कि राजा साहब को नींद नहीं आती है, सबने अपना अपना उपाय बताया कि ये क्या कर लो, ये कर लो, ये कर लो। खुला दरबार लगाया कि जो कोई मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा कि मेरा क्या होगा, उसे मैं 1000 मोहरे भेंट करूंगा। सबने अपने अपने तरीके से जवाब दिए। आप भी क्या, कभी होम्योपैथ के पास जाते, कभी एलोपैथ के पास जाते, कभी आयुर्वेद के पास जाते हो, कभी भैरव का मंत्र जप करते हो, कभी विष्णु का मंत्र जप करते हो, मेरा क्या होगा। मूल प्रश्न आपका सबका यही है कि मेरा क्या है, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। एक किसान है, उसने जवाब दिया कि इसका एक ही उत्तर है, मेरा क्या होगा। इसका एक ही उत्तर है कि जो शिवजी तय करेंगे वही होगा, जो शिवजी तय करेंगे वही होगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, आप तो केवल और केवल यही प्रार्थना कीजिए, आप शिव की प्रार्थना मत कीजिए। जो शिवजी को करना है वो कर लेंगे। आप तो शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सदा ऊर्जान्वित रखे, आपको ऊर्जा की प्राप्ति निरंतर होती है। बाकी होना क्या है, जो शिव ने निश्चित कर रखा है, जो शिवजी चाहेंगे वही होगा। इतना यदि मनुष्य सोच ले कि जो शिवजी चाहेंगे वही होगा, बस एक ही इच्छा है कि मुझे जीवन में निरंतर और निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा अपने आप शिव से मिल जाएगी और शिव से अपने आप जवाब आ जाएगा और शिव की कृपा अपने आप बरस जाएगी। इस प्रश्न पर आप विचार करते हैं, मेरा क्या है, मेरे बच्चों का क्या होगा, वह बीमारी आ गई तो क्या होगा, थोड़ा बुखार आ गया तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मुझे वो वाला फ्लू हो जाए, वो वाला हो जाए, मुझे वायरल हो गया है, क्या मालूम कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाए। फिर आप टेस्ट कराते, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे को ऐसा शरीर में कोई रोग लग गया है। मेरा क्या, अरे मेरा क्या होगा, इसका विचार नहीं करना है, यही करना है कि मुझे जीवन में निरंतर और निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती है, मैं जीवन में निरंतर और निरंतर गतिशील हूं। जो करना है वो शिवजी करेंगे। जब मनुष्य इस विश्राम भाव में आ जाता है तो मेरा क्या होगा उसका अपने आप जवाब मिल जाता है, उसे विश्राम मिल जाता है, विश्रांति मिल जाती है। कहते हैं कि राजा ने कहा कि ये तुम्हारा दक्षिणा बिना, उसने कहा मुझे आवश्यकता नहीं, मैं अपने चाराने में खुश हूं। बोला चाराने पाकर के खुश हूं? बोला हां मैं तो बहुत खुश हूं, चार आने मिलते हैं मुझे। प्रतीक रूप में कहा है, एक आना तो मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरा आना उधार चुका देता हूं, तीसरा आना उधार देता हूं, चौथा आना मिट्टी में गाड़ देता हूं। बस मैं तो यही क्रिया करता हूं और मैं प्रसन्न हूं, मुझे नहीं चाहिए व्यर्थ का आपका घर, मैं अपने इस चार आने में संतुष्ट हूं, चैन की नींद सोता हूं। राजा ने कहा, पूछा भाई, किसान चला गया। राजा ने कहा इसका अर्थ क्या है, पूछा सभा में, पूछा ब्राह्मण रूप में शिवजी बैठे, कहा जवाब दिया
कि चार आने तो प्रतीक रूप में है। पहला आना कुएं में डाल देता हूं, अर्थात अपने परिवार के भरण भरण पोषण में खर्च करता हूं। क्या करता हूं? 25%। आप समझो, आप 1 लाख कमा रहे हो, 25% कुएं में डाल देता हूं, रिटर्न तो आएगा ना परिवार के भरण पोषण के लिए। दूसरा आना उधार देता हूं, दूसरा आना उधार देता हूं, कहता है तीसरा आना उधार, दूसरा आना उधार चुका देता हूं, तीसरा आना उधार देता हूं, उधार चुका देता हूं, अर्थात 25% माता पिता गुरुजनों की सेवा में चुका देता हूं, क्योंकि उनका मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए चौथा हिस्सा उनके लिए चुका देता हूं। तीसरा आना उधार देता हूं, इसका क्या अर्थ? उधार देता हूं अर्थात संतान की शिक्षा में व्यय करता हूं, एक प्रकार से मैं संतान को उधार दे रहा हूं कि बड़े होकर के मेरी तरह इनमें भी बुद्धि आएगी और यह वापस चुकाएंगे। हम एक तरह से संतान में इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, यह हमारा कर्तव्य भी है। और चौथा आना कुएं में डाल देता हूं, गाड़ देता हूं, मिट्टी में गाड़ देता हूं, अर्थात बचत। जहां जिंदगी का यह फलसफा रहता है कि 25% घर परिवार के खर्च के लिए, 25% मां बाप गुरुजनों की सेवा के लिए, कुटुंबियों की सेवा के लिए, 25% संतान के लिए और 25% भविष्य में आपत्तिकाल में काम आए उसकी बचत के लिए, बस इसका बैलेंस नहीं रहता। या तो कल की चिंता करते हैं, उसमें लगा देते हैं, वर्तमान को जीते नहीं। ये जो बैलेंस है, कामना पूर्ति में भविष्य का भी धन लगा देना, वर्तमान की कामनाओं में सारा खर्च कर देना कि अभी तो बहुत आगे मैं कमा लूंगा, सब देख लूंगा, अपनी संतान की शिक्षा पर व्यय नहीं करना, या अपने जीवन में अच्छे से नहीं रहना, या बचत नहीं करना कि आगे देख लेंगे, अगले साल बहुत अच्छा हो जाएगा। जहां जिंदगी में कामनाओं का संघर्ष चलता है और हम इस प्रकार से प्लानिंग नहीं करते कि हमें घर परिवार कुटुंब माता पिता संतान और भविष्य, या तो वर्तमान के अंदर पूरा का पूरा ही खर्च कर देते हैं, या फिर सोचते कि नहीं अभी तो भूखे मर मर के 60 साल के हो जाएंगे ना, तब जिंदगी का आनंद आएगा, तब मेरे पास 26,55,000 हो जाएंगे और 26,55,000 का ब्याज आकर के 26,000 महीने का जाएगा, उस समय मेरा खर्चा भी कम होगा और मैं आराम से रहूंगा। अभी तो मैं दौड़ू, हेल्थ वेल्थ क्या है, 50 साल का हो जाऊंगा तब मेरे को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब मैं अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखूंगा, अभी तो मेरे अंदर जवानी है, अभी तो मेरे को दौड़ना चाहिए, सारे लोग दौड़ रहे हैं मैं भी दौड़ू। जहां भी ये बैलेंस गड़बड़ाता है वहां विश्राम नहीं है। बैलेंस ये बरकरार, तब जीवन में आनंद आता है। वही जीवन में वास्तविक जीवन को जीना है। अब कामना पूर्ति के लिए आप दौड़ रहे हैं, लेकिन चलाने वाला कौन है? शिव। और शिव किसका स्वरूप है? विश्राम का स्वरूप। आप कभी कभी
पुरुषों से पूछता हूं, आप गाड़ी चलाते हो, आपका बाल गोपाल जिद करता है, पापा मुझे स्टीयरिंग पे बिठाओ, मुझे बिठाओ। माँ भी कहती है कि बिठा दो ना, गोद में बिठा दो ना, आप उसको बिठा दो, स्कूटर में बिठा देते हो। फिर बच्चा गुब्बारे पर देखता है, वो जिद करता है मुझे गुब्बारा लेना है, गुब्बारा लेना है। माँ कहती दिला दो ना, ले लो। फिर आप उधर स्टीयरिंग मोड़ देते हो, स्कूटर का हैंडल उधर मोड़ देते हो, बाइक उधर मोड़ देते हो, इधर गुब्बारा दिला दिया, कोई और खिलौना दिला दिया। इस प्रकार से मेले में गए तो आपका इस प्रकार से बच्चा आपसे जिद नहीं करता, बच्चा माँ के माध्यम से कहता है, माँ कहती कर दो ना बच्चे की इच्छा पूरी, कर दो ना बच्चे की इच्छा पूरी। ऐसे ऐसे करते शाम होती है और पिता को मालूम होता है कि चाहिए विश्राम। ये तो अपने मन बहलाने के लिए इस प्रकार की जिद कर रहा है, चाहिए विश्राम और खरीद रहे हैं सामान, यही जिंदगी की बात है। वास्तव में चाहिए मनुष्य को विश्राम, पर वह मन बहलाने के लिए सामान खरीद, शायद इसमें मन लग जाए, शायद ये ले लूं तो मन लग जाए, शायद ये ले लूं तो मन ले जाए। और इस प्रकार हम अपने जीवन में सामान का बोझ बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। शिव जानते हैं, शिव पिता है, कि मनुष्य को वास्तव में आवश्यकता किस बात की है। मनुष्य को चाहिए शांति, मनुष्य को चाहिए विश्राम, और शिव वही विश्राम प्रदान करते हैं। हमारे यहां बुद्ध की तरह नहीं है कि बुद्ध से पूछा, एक शिष्य ने कुछ प्रश्न दे, बुद्ध ने कहा कि तुम एक साल मौन रहो, एक साल मौन रहा शिष्य, पूछा अब तुम्हारा प्रश्न, बोला मैं मौन रहा तो सारे सारे प्रश्न समाप्त हो। हमारे यहां नहीं, हमारे यहां तो महादेव को स्पष्ट रूप से शक्ति भी पूछ रही है कि ये जिज्ञासा है, इनका समाधान क्या है। हमारे यहां तो शिव यात्रा करते, चाहे केदारनाथ हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे से बोल बम बोल बम बोल बम करते हुए शिव को आह्वान करते हुए यात्रा करते, बोल बम, हे शिव तुम बोलो, तुम्हारा क्या आदेश। शिव का आह्वान करते, क्योंकि शिव वरदान दे, इसलिए हम जोर जोर से बोलकर कि हमारे यहां मौन नहीं कि चुपचाप रहो। और अब शक्ति पूछ रही है, शिव जवाब दे, भस्मासुर कह रहा है, शिव कह रहे हैं, फंस भी जाते हैं, तथास्तु कह देते, क्योंकि शिव पिता, पिता अर्थात जो कल्याण करता है, जो पालन करता है, तो जगत के पिता है, हमारे पिता है। इसीलिए सब गुरु सब शिव, इसलिए गुरु को भी कहा गया है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या देवन, तुम्हें सर्वम देव देव, वे पिता स्वरूप है, हमारी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं, लेकिन शक्ति की बात पर वे जानते हैं कि आखिर व्यक्ति को क्या चाहिए, विश्राम चाहिए, विश्रांति चाहिए, आराम चाहिए, नींद चाहिए। 18 घंटे गति करते हैं और 6 घंटे हम विश्राम करते हैं, पुनः क्रिया के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप सोचो कि आपको यदि 10 दिन दिन और रात नींद नहीं आए, आप काम कर सकते हो, आप काम ही नहीं कर सकते, पागल हो जाते। शिव आते हैं 6-7 घंटे के, विश्राम मिलता है, पुनः गति मिल जाती है, पुनः विश्राम मिलता है, पुनः गति मिल जाती है। देवदत्त की कथा तो आपको ध्यान ही, कब शिव तो भोले भंडारी है, बसवासुर ने कह दिया, उसको वरदान दे दिया, उसने तो
वापस ही अप्लाई करना शुरू कर दिया कि शिव ने वरदान दिया है, वह प्रत्यक्ष फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रावण ने भी जिद कर ली कि कैलाश से कामला लिंग को अपने स्थान पर ले जाए, लंका ले जाए। अब भगवान ने कहा कि इच्छा तो नहीं, लेकिन अब तथास्तु कह दिया था तो उन्होंने क्रिया की और कहा कि विष्णु के माध्यम से रावण इस क्षेत्र से जा रहा था। शिव कहा था शिव ने कि रास्ते में इसको कहीं रखना मत, रास्ते में कहीं रखा तो मैं वहीं स्थापित हो गया। और रावण लेकर के चला, कहते कि बैदू रूप में एक ग्वाले के रूप में विष्णु ही प्रकट हुए और वरुण देव का उसके भीतर रावण के भीतर आह्वान हुआ तो उन्हें लगा कि रुकना चाहिए लघु शंका के लिए। शिव ने कहा था इसको जमीन पर मत रख, कामना लिंग को यहां मत जमीन पर मत रखना, सीधा कैलाश से सीधा लंका ले जाकर के रुकना। अब रुकना पड़ा और रुका तो शिव वहीं स्थापित हो गए। शिव वहीं स्थापित हो गए क्षेत्र जिसे कामनालिंग क्षेत्र कहा गया है, बैद्यनाथ कहा गया है कि यहां जो साधक जिस कामना को लेकर आता है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि यह कामना को पूर्णता करने वाला क्षेत्र है। बैद्यनाथ क्षेत्र है जहां ओम त्र्यंबकेजामहे सुगंधिनी पुष्प उर्वार वंदना मृत्योर मुक्षी मामता, सुगंध प्राप्त हो जीवन में, पुष्टि प्राप्त हो, बंधन से मुक्ति प्राप्त, गति प्राप्त हो, गति अर्थात सुगंध प्राप्त, पुष्टि प्राप्त। क्या मूल प्रश्न में आते हैं, क्योंकि शिव की क्रियाएं शिव ही जानता है, रावण चाहे कितना भी होशियार आखिर तो था चेन्नई, तो गुरु के सामने कितनी भी होशियारी कर दो इतना एक बात ध्यान रखना कि गुरु गुरु ही है। चेला बहुत चालाक होता है कि मैं बहुत चुस्त हूं, भगवान आप जानते नहीं हो, आप तो धोती कुर्ता पहन करके बैठे रहते हो, आपको दीन दुनिया का मालूम नहीं है किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है, किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से लालच और किस प्रकार से क्रिया की जाती है, आप कुछ चलाते नहीं हो, आपको कुछ समझता नहीं है। रावण भी समझ रहा था, मैंने शिव की तपस्या कर ली, शिव बोले है हाँ कर दिया, उसे मालूम नहीं करे भाई गुरु है, गुरुओं के भी गुरु है, फार्मेस्टी गुरु है, तू तो चेला है। क्या हमारा शिव है बोला, बोला है, लेकिन देखो आप देखना कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप है थोड़ा एकदम स्पष्ट प्रकट नहीं है, सजावट श्रृंगार से युक्त रखा हुआ है, लेकिन हमारे भोले का जो स्वरूप है अब वो तो किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा रखी नहीं रहे, निराला है प्रेम। इसलिए शिव स्तुति में कहा गया है कि हे शिव आप महान हो, पार्वती को गोद में बिठा लिया। आपने भाई देखा कि विष्णु लेकर के लक्ष्मी को गोद में बिठाए बैठे, विष्णु लेकर के लक्ष्मी थोड़ी दूर खड़ी रहे, एक पर्दा है। शिव ने कहा अरे प्रेम किया है, आओ पार्वती तुमने कामना की है मुझे पाने की, मैं मेरी भी इच्छा थी तुम्हें प्राप्त हो जाऊं, चलो आओ। प्रेम हो तो ऐसा आप ही आई लव यू कहते हुए पत्नी को आई लव यू नहीं कह पाते हो,
चाचा संतान उत्पन्न कर देते और प्रकट में कहा जाए कि आई लव यू कहना है तो बहुत डरते हैं। कभी हाथ पकड़ना होता है, पत्नी का हाथ पकड़ना होता है तो आप डरते हो लोग क्या कहेंगे। अरे पत्नी का हाथ पकड़ रहे हो और लोग क्या कहेंगे, किसी दूसरे का हाथ थोड़ी पकड़ा है, पत्नी का हाथ पकड़ना है। लेकिन आप सब कुछ कभी उसने भी हाथ पकड़ लिया है या पत्नी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप एकदम झटक देते हैं, अरे चार लोग देख रहे हैं ऐसे तो नहीं हो सकता है ऐसे नहीं। अरे प्रेम है शिव और पार्वती के समान, जीवन में गृह जीवन कैसा होना चाहिए, शिव और पार्वती के जैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा ही गृह जीवन में प्रेम होना चाहिए, जहां इस प्रकार का प्रेम होता है वहां गणपति होते हैं, रिद्धि सिद्धि होती है, शुभ लाभ होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, जहां प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जिस गृह जीवन में प्रेम नहीं है वह गृह जीवन, इसीलिए तो शंकराचार्य प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे शिव आप भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप में मेरे जीवन में रहे, मेरे जीवन में चाहिए क्या, श्रद्धा और विश्वास ही तो चाहिए। जो जो मेरे जीवन में श्रद्धा है वह शक्ति का स्वरूप है, जो जो विश्वास है वह शिव का स्वरूप। क्या है कि हमारे पुराणों में बहुत कथाएं आती है, तो नारद भगवान शिव से विष्णु से उड़ाना करते हैं कि आप इस प्रकार से सब भक्तों का कल्याण करते हैं, मेरा कल्याण नहीं करते। इसी प्रकार से शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा है, स्तोत्र लिखा है उड़ाना देते हैं। जैसे आप ही गुरु को उड़ाना देते हो, गुरु जी आप सबकी और ध्यान देते हो, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपने कहा था मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम तो होता नहीं है, आप नाराज नहीं हो पर आप गुरु से प्रेम करते हो इसलिए उन्हें उलाना भी जरूर देते। देखो आपने कहा था ना 6 महीने में काम हो जाएगा, देखो 12 महीने हो गए अभी तक तो काम नहीं हुआ। आपकी श्रद्धा और विश्वास पूर्ण है लेकिन जहां प्रेम होता है वहां उलाना जरूर है। आप पति पत्नी से नाराज होता है, पत्नी पति से नाराज होती है, कोई पड़ोस में 10 घर आगे रहने वाले से तो नाराज थोड़ी होंगे, लोग जो चलती रहती है। तो शंकराचार्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहें अशना गरलम ध्वनि कलापो वसन चर्म न वाहन मोक्ष मम दास्यामि किम किमस्ति संभो तव पादाम्बुजम भक्ति में। के भगवान शिव आपसे क्या मांग, क्या बात, आप तो जय है, वो आपसे मांग नहीं सकता कि भगवान आपकी भोजन सामग्री मुझे उपलब्ध करा। जहर से आपको शांति नहीं मिली तो भांग और धतूरा खा लेते, और मैं यदि आपका भोजन भांग और धतूरा मांगू तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। वस्त्र आपसे क्या मांगू, संसार आपसे कहूंगे हे भगवान मुझे आप जैसे वस्त्र धारण करते हैं वैसे वस्त्र मुझे प्रदान करें। अब आपका श्रृंगार आपको दिगंबर कहते हैं, कभी मन हुआ तो आती की छाल और आपसे आभूषण मांग लो, आपसे क्या आभूषण मांग, आप तो उतार करके कहा ले बेटा मैं आभूषण देता हूँ, एक सर्प की माला यदि सर्प एक उतार करके दे दिया ले बेटा ये मेरा आभूषण है ले तुझे प्रदान करता हूँ, तो मेरे तो ऐसे ही वो सवास गायब हो जाएंगे। अब मैं आपसे वाहन सुख मांगू, ये भगवान जैसा आपका वाहन है वह वाहन मुझे प्राप्त हो, तो आप तो शांत में बैठते हो ऐसे ही डर लगता है कि यदि कहीं सीख नहीं मार दे तो आपसे वाहन भी मांग नहीं सकते, तो आपसे क्या मांग। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हे भगवान आपसे कुछ मांग नहीं सकते,
बस आपसे यही मांगता हूं, मम दाश्चिसी किम किमस्य शंभो तव पादाम मुझा भक्ति मेव। के शिव आपसे एक ही मांगता हूं कि आप मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान कर दे, आपके श्री चरणों से कभी मुझे विलग नहीं करे, वह श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं सदा आपके पास हूं। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, ओ महाराज। क्योंकि कार्य तो शक्ति आपका कर देती है, शिवेति हरक्षर नाम व्यवहार शांति ये जना तेसा स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। कि लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो शिव के दो अक्षर के नाम का उच्चारण भी कर लेता है उसे भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। क्योंकि शिव का उल्टा क्या है? विष। और विष का उल्टा है शिव। तो जो शिव का ध्यान कर लेता है, जो शिव का अभिषेक कर लेता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेता है, ओम ह्रम जुम सह का जप कर लेता है, जो शिव 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 ओम नमः शिवाय कर लेता है, उसका कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, वह सर्वोच्च स्थिति भी प्राप्त कर लेता है, वह शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि शक्ति कहाँ है? शक्ति तो दौड़ दौड़ करके आ रही है शिव के पास जाने। क्योंकि शिव विवाह में शिव से पूछा गया, विवाह हुआ, पंडित ने पूछा गोत्र वगैरह, पिता का नाम क्या है, सारे देवी देवता थे, तो ब्रह्मा ने कहा मैं पिता। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा के वहां के अश्रु से रुद्र का जन्म हुआ था। और पूछा गया कि दादा का नाम, तो ब्रह्मा के पिता विष्णु बोला, विष्णु। तो बोला पिता का नाम हो गया, पितामह का नाम हो गया, प्रपितामह का नाम क्या है? सब चुप हो। शिव ने कहा मैं। अरे मैं ही तो इस संसार में उत्पत्ति का विलय का कारण हूं, इस संसार में सबको जन्म देने वाला तो मैं ही तो हूं, मैं ही शिव हूं, मेरे से ही विष्णु, और विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा यह चक्र चल रहा है। तो पिताओं का पिता तो शिव ही, और शिव आपके कार्य सब संपन्न करते हैं। शक्ति भी सत्य को जानती, इसीलिए शक्ति ने भी कनेक्शन जोड़ा तो टॉप का कनेक्शन। क्योंकि शिव है, शक्ति जानती थी कि टॉप में कौन है, टॉप में शिव। तो जब कनेक्शन जोड़ना है तो छोटे मोटे से कनेक्शन क्या जोड़ना, शक्ति को उस कनेक्शन जोड़ना है तो शिव से ऊपर कौन है? तो शक्ति ने कहा तपस्या ही करनी है, वही प्राप्त करना है, तो शिव को ही प्राप्त क्यों नहीं किया जाए। एक कथा सुनाता हूं, बहुत मजेदार है। पांडे जी सुन रहे हैं? तो एक आदमी था, बहुत सेकी बगा था, मुझे फला मिनिस्टर जानता है, वह मेरे हाथ जोड़ता है, मैं जाता हूं रास्ता दे देता है एकदम, वो मुझे जानता है, वो मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। एक बार गाड़ी लेकर जा रहा था, पत्नी साथ में थी, गाड़ी में कुछ कागजात कम था, ट्रैफिक वाले ने रोक दी, चलो गाड़ी किनारे लगाओ, कागज दिखा। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हैं, कितनी इंसल्ट वा हो रही है, आप तो कहते थे कि मैं फला मिनिस्टर को जानता हूं, फला मिनिस्टर को जानता हूं, लगाओ ना फोन वा,
ये फोन वाला लगा दो कि आप कह रहे हो ना मैं उसको जानता हूँ उसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, अब यहाँ कहाँ बीच रास्ते हमारी बेइज्जती करा रहे हैं, एक टके के पुलिस वाले ने रोक दिया है और आप। अरे उसने कहा भागवान, मैंने कहा मैं उस मिनिस्टर को जानता हूँ उस मिनिस्टर को जानता, ये थोड़ी कहा कि वो मिनिस्टर भी मेरे को जानता है कि नहीं जानता है, ये तो मैंने ही कहा कि मैं उसे जानता हूँ, अरे मैं मोदी को जानता हूँ मैं मोदी को जानता हूँ, अरे मोदी जी मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति भी समझती थी कि जानना है तो टॉप का जानना है कि वो भी मुझे जाने और मैं भी उन्हें जाने, यदि टॉप का कनेक्शन हो गया तो फिर बीच में कहीं आवश्यकता नहीं है, एकदम काम हो जाएंगे, पूरी शक्ति गतिशील रहेगी, उसे विश्राम भी मिल जाएगा। हम भी अटके हैं बीच खराब व्यक्ति हुए, उसको मैं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ, अरे भाई तुम जानते हो वो तुम्हें जानता है कि नहीं जानता है, तुम शिव को जानते हो शिव तुम्हें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, शिव तुम्हें जब जानेंगे जब तुम उनका अभिषेक करोगे उनका आह्वान करोगे तुम्हारा कनेक्शन होगा, तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि प्रार्थना नहीं है आह्वान नहीं है भाव नहीं है, और फिर चाहते हो कि मेरे सारे काम हो, काम तो अवश्य होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु में भी यही वाद विवाद हो गया था कि मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, तो भगवान शिव कहते हैं कि शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए जिसका कोई ऊपर, ब्रह्मा देखने गए और उन्होंने कह दिया कि मैं ऊपर का छोर देख के आया हूं, और विष्णु पाताल लोग गए लेकिन विष्णु को कोई उसका छोर नहीं मिला कि यह कहां तक जाकर के इसका लिमिट क्या है सीमा क्या है, और ब्रह्मा ने कह दिया कि ऊपर मैंने एक केत की पुष्प उड़ते हुए देखा था वहां तक शिवलिंग है, असत्य बोले, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, केत की पुष्प को पूजा में चढ़ाया नहीं जाता है। तो जो शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे कहा गया ज्योतिर्लिंग, इस शिवलिंग नाम से थोड़ा आपको कंफ्यूजन आता है, वास्तव में है ज्योतिर्लिंग, कि वह ज्योति प्रकट हुई जो लिंगाकार रूप में थी, एक स्वरूप था, कंफ्यूजन मत कर देना कि शिव का स्वरूप कैसा है, शिव का स्वरूप है ज्योति जैसे, वह ज्योति जिसका कोई ओर है कोई छोर है, अरे जो शाश्वत ज्योति हो तो उसका कोई ओर और छोर होता ही नहीं, तो महाशिवरात्रि के दिन कहा है कि इस सृष्टि में शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग है, पत्थर लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग एक वह ज्योति प्रकट हुई जिसका कोई ओर और छोर नहीं था, उस ज्योति की पूजा किन से की जाती है, हार वस्त्र चंदन धूप दीप छत्र ध्वजा और छवन, ये स्थायी वस्तु है, इनसे शिव की पूजा की जाती है, हार चढ़ाया जाता है पुष्प, तो भगवान शिव प्रकट होकर के कहा कि यह शिवरात्रि का आज का पर्व शिवरात्रि कहलाएगा, और जो भक्त आज इस ज्योतिर्लिंग की जिस भाव से पूजा करेगा, चाहे बालक हो चाहे विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी हो चाहे रोग में डूबा हुआ हो चाहे भोग में डूबा हुआ हो,
चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, क्योंकि शिवलिंग में भगवान शिव और शक्ति का मिलन है। वहां भेद नहीं है कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शिवलिंग प्रतीक रूप में है कि वहां शिव और शक्ति दोनों संयुक्त रूप से विद्यमान है। उस शिवलिंग की आज पूजा करनी है, अर्चना करनी है कि वे शिव हमें क्या प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हम जीवन में कामनाओं के भवन में ही उलझे रह जाएं। हम अपने जीवन में किस प्रकार से विश्राम की स्थिति को प्राप्त करें, किस प्रकार से भाव आएगा कि हम सदैव ऊर्जा से युक्त रहे, जो होने वाला है वह तो जैसा भगवान शिव चाहता है वही होगा, क्योंकि शिव हमारे मन में स्थित। कहते हैं कि शिवलिंग का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप हमारे मस्तिष्क में, पिनियरी ग्लैंड के रूप में हमारे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में स्थापित है। बिल्कुल जैसा शिवलिंग का स्वरूप होता है उतने ही आकार की, उतने ही स्वरूप की वह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में विद्यमान रहती है, और ज्यादातर लोग उस ग्रंथि के बारे में जानते ही नहीं है कि हमारे मस्तिष्क में भी शिव विराजमान है। और कहते हैं कि सोचने, विचारने और विश्राम की स्थिति उस पिनेरी ग्लैंड से जो स्राव होता है उसी से सोचने की, विचारने की और विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है। जितनी वह ग्लैंड सक्रिय रहेगी सोचने, विचारने और विश्राम की शक्ति उतनी ही अधिक प्राप्त होती है। हम सोचते हैं दूसरों के कहे अनुसार, हम विचारते हैं दूसरों के कहे अनुसार, और हमें जीवन में विश्राम नहीं मिलता क्योंकि हमारी पिनेरी ग्लैंड सक्रिय है। इसीलिए कहा गया कि ध्यान करो, ध्यान करो। सारे ध्यान मंत्र में कहा गया कि अपने भ्रूमध्य में अपने चिंतन को, अपने विचार को एकाग्र करो, उस स्थान पर अपने विचार को ले जाओ, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हारा हृदय बहुत आनंद के साथ धड़कने लग जाएगा, तुम्हारे शरीर में जो उग्र भाव है वह शांत हो जाएगा और तुम उस शांति को प्राप्त कर सकोगे जिसे आनंद कहा गया, क्योंकि सुख की कोई परिभाषा नहीं। शिव अर्थात आनंद का भाव, विश्रांति का भाव। उस विश्रांति के भाव को प्राप्त करना अर्थात अपने भीतर के शिवलिंग को जागृत करना। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिंदगी में चैन, विश्राम। अब विश्राम के लिए गति चाहिए, गति के लिए विश्राम चाहिए। गति के लिए विश्राम चाहिए, विश्राम के लिए गति चाहिए, और हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारी शक्ति और हमारे शिव का मिलन, यही जीवन की मनोकामना है, पूर्ण इच्छा है। सुगंधित दो पुष्टिवर्धक, एनर्जी हो और विश्राम, यही भाव के साथ मां मृत्युंजय का भाव यही है। और गुरु जब दीक्षा देते हैं तब आपके आज्ञा चक्र पर स्पर्श करते हैं, और जब आशीर्वाद देते हैं तो आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं। शक्ति अर्थात आपकी पिनेरी ग्लैंड जागृत। आप सोचो अपनी बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि तो कितने रूपों में प्रकट होती है। बुद्धि प्रकट होती है चेतना से, श्रद्धा से बुद्धि प्रकट होती है, निद्रा से बुद्धि प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है क्षुद्रा से,
या देवी सर्वति क्षुधा रूपेण संस्था, या देवी सर्वशक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वति चेतना रूपेण संस्था। तो शक्ति तो हजार, लेकिन उस शक्ति की पूर्णता कहां है? शिव के साथ संयुक्त, और शिव और शक्ति के मिलन का स्थान कहां है? हमारे दोनों भावों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है यह शिव और शक्ति के मिलन का क्षेत्र। उस स्थान पर गुरु का स्पर्श किया जाए कि जिससे वह स्थिति जागृत हो जाए कि आप अपने स्वयं के भीतर उस शिव भाव को, उस गति भाव को, उस विश्राम भाव को निरंतर और निरंतर अनुभव कर सके। जागृत होने के साथ साथ उसे अनुभव करता है। यह महाशिवरात्रि है, यह चेतना की यात्रा, यह शिव और शक्ति के मिलन की यात्रा। आज अभिषेक करना, फिर यह मत कहना कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की रात्रि कल्प वृक्ष की रात्रि, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामनाएं व्यक्त करते हैं वह कामनाएं पूर्ण होती है। शक्ति का उपयोग करना है, शक्ति को प्रकट करना है, और शक्ति आपके भीतर है, ज्ञान आपके भीतर है, शिव आपके भीतर है, शिवलिंग आपके मस्तिष्क के आज्ञा चक्र के स्थान पर स्थापित है। याद रखना, आज शिवरात्रि पर कह रहा हूं कि जीवन बंदी गुफा नहीं, एक द्वार बंद होता है दूसरा द्वार अवश्य होता है। थकथकाना तो पड़ेगा ही ना कि कहां द्वार, थकथकाओगे नहीं और एक जगह बैठ जाओगे कि अपने आप शक्ति आकर के मेरे लिए द्वार खोल जाए। द्वार खोलने के लिए थकथकाना ही पड़ता है, एक द्वार बंद होगा कहीं 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 कहीं। ऐसी जिंदगी में कोई गुफा नहीं है जिसके आगे प्रकाश नहीं है, चलते रहे, गतिशील रहना है। यदि गति रहेगी तो विश्राम भी मिल जाएगा, वह द्वार भी मिल जाएगा। स्थितियों से समझौता कर लोगे तो वही के वही रह जाए। आज शिवरात्रि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में स्थितियों से समझौता नहीं करना है कि मैं तो क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो विधाता है ऐसा ही लिखा है। नहीं, जीवन में निरंतर और निरंतर द्वार खोलना है। एक द्वार बंद हो जाएगा दूसरा द्वार खुलेगा, दूसरा बंद हो जाएगा तीसरा द्वार खुलेगा। स्थितियों से समझौता नहीं करना। कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो प्रयास निरंतर और निरंतर निरंतर और निरंतर करना पड़ेगा। एक लड़के की बहुत प्रेरणा स्पर्श मैंने कथा अभी पढ़ी, बहुत कानपुर के पास भदोही है, वहां का रहने वाला, मां बाप का सबसे बड़ा लड़का भी नहीं था, चौथे नंबर की संतान था। उसके जीवन में एक लक्ष्य था, गरीब मां बाप था, चला गया बॉम्बे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो कहते हैं क्या पानी पूरी बेची, रहने को जगह नहीं थी, कहीं कैसे भी करके रहा, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने जरूर जाता। लक्ष्य था, कई बार भूखा रहा, कई बार उसने कहा दुकान तुम तो 6 घंटे तो अभ्यास में बिता देते, लेकिन उसके मन में लक्ष्य था। और एक दिन एक कोच ज्वाला सिंह की उसके ऊपर नजर पड़ी, उसने कहा इस लड़के में कुछ स्पार्क, ये स्थितियों से समझौता करने वाला लड़का नहीं है। और उसने उसे अपने साथ लिया, उसका कि ऐसे ही अभ्यास करते रहे कि भूख प्यास से घबराएगा तो नहीं, जिंदगी में तकलीफों से घबराएगा नहीं, कि नहीं मैं घबराऊंगा नहीं। उस बालक का नाम है
यशस्वी जायसवाल जो कि अभी इंडिया 19 में खेला। ज्यादातर तो लोग स्थितियों पर समझौता कर रहे हैं कि क्या करें, मेरा तो छोटे गांव में जन्म हुआ है, अब यही मेरे जिंदगी की नियति है, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे जिंदगी की यही नियति। नियति कुछ नहीं होती, कोई ऐसा आपका विधाता ने लेख लिख नहीं दिया है कि बस आप ऐसे ही रहोगे और ऐसे ही आपका जीवन व्यतीत होगा। शिव कहते हैं तुम शक्ति का निरंतर और निरंतर आह्वान करते रहो, तुम्हारे जीवन में निरंतर और निरंतर गति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए तो शिव मिल जाएंगे, मिल जाएगा अर्थात लक्ष्य मिल जाएगा। तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद नहीं है, गुरु के रूप में गुरु तुम्हारे जीवन में संभावनाओं का द्वार निरंतर और निरंतर खोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं। एक द्वार बंद होता है, दूसरा द्वार खोलते, दूसरा बंद हो जाता है, तीसरा द्वार खोलते हैं, तुम्हारे पैरों में थिरकन जाए। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, ओ महाराज। शिवरात्रि पर दो पंक्तियां मैंने लिखी है, तुम जीतना चाहते हो ना जिंदगी में, क्या हारना चाहते हो? जीतना चाहते, तो जीतने के लिए बस जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जीतने के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का जुनून चाहिए, इरादों में जीत का जुनून चाहिए। आपके सारे संकल्पों में शिव भाव स्थिर रूप से आ जाए, आपके संकल्पों में तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु, आपके मन के जो शिव भाव का संकल्प है वह अवश्य पूर्ण हो। गुरु रूप में, शिव रूप में आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आप सभी अभिषेक की संपन्न करें और अपना आत्म अभिषेक भी करें, आत्म मंथन भी करें, आत्म विचार भी करें और आज अपने जीवन में यह संकल्प लें कि मेरे जीवन में जिस प्रकार मैं शिवलिंग पर दूध दही घी शक्कर जल चढ़ा रहा हूं, मेरे जीवन में सदैव और सदैव रस प्रवाह होता रहे, मैं कभी शुष्क नहीं हूं, मैं कभी ऐसा स्थिर नहीं बन जाऊं कि मेरे जीवन में गति समाप्त हो जाए। जिस प्रकार से ये शिव आपके ऊपर निरंतर और निरंतर जलधार प्रवाहित हो रही है, वैसे ही मेरे जीवन में निरंतर और निरंतर जुनून की जलधार प्रवाहित होती रहे। हे शिव, आप में ही गति है, आप में ही स्थिरता है, आप ही मेरे सारे संकल्पों को पूर्ण करने वाले। मैं भक्त रूप में चाहता हूं कि आप में ही स्थिर हो जाऊं, आप मेरे अंदर स्थिर हो जाए और मेरे जीवन में गति रहे, मेरे जीवन में मति रहे। तस्मै मनः शिव संकल्पः, ओम त्र्यम्बके जामहे सुगन्धिनि कूर्मारुक्षीय मां हुतात्। मैं जीवन में सारे बंधनों से मुक्त हूँ, मेरा जीवन सुगंधित हो, पुष्टिवर्धक हो, ये यही एकमात्र कामना है। आप सदैव और सदैव जो आप चाहेंगे वही होगा, बस मैं तो चाहता हूँ, मैं ऊर्जा से ओतप्रोत हूँ, बस ये शिव मैं आप में मिल जाऊंगा, आप मेरे अंदर हैं, बस कामना यही है कि मैं काम की कामना नहीं, कामना यही है कि मैं हर समय एनर्जी से हूं, जीवन में किसी भी क्षण में हताश और निराश नहीं हूं, सदैव और सदैव ऊर्जा का प्रवाह मेरे जीवन में रहे, यही ऊर्जा का प्रवाह मेरे शिष्यों के जीवन में रहे, यही मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप सदैव ऊर्जा से युक्त हो, ऊर्जा से युक्त। सद्गुरुदेव की।
सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की, सिद्धासन साधक परिवार की, ओ महाराज। पहले 5:30 बजे कुछ से स्तुति के भजन करेंगे, मंत्र जप करेंगे, भोजन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपने ऊपर जल डालेंगे। नहीं डालना है अपने ऊपर जल, स्नान करना है कि नहीं करना है, अमृत का स्नान करना है कि नहीं करना है, तो अभिषेक करना है। मैं मंच पर आपके सामने बैठा रहूंगा और आप अभिषेक करते रहेंगे और यहाँ पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक संपन्न होगा। आपके पास शिवलिंग होगा, आपके यहाँ पर भी शिवलिंग है। जब ध्यान करें ओम ह्रौम जूम सा, तो अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लेंगे। क्या है कि ध्यान विचार भंवर की तरह भटकते हुए उन्हें शिव से जोड़ो। तो ओम जुम सा, ओम जुम सा करते करते अपने विचारों को एकाग्र कर, विचार एकाग्र हो गए, शक्ति से मिल गए, कार्य हो जाए, कामनाएं पूर्ण हो जाए। एकाग्रता आवश्यक, फोकस जिसे कहा गया है, तब चक्र खुलने प्रारंभ होते हैं।